हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज शुभम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हियर इज द कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द हिंदू ऑफ 21 जनवरी 2021। लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी। एक्चुअली मैं बाहर हूँ, तो थोड़ा इलाहाबाद की साइड आए हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस लगेगी, लेकिन आपको पूरी न्यूज़ कवर करूँगा। कोई न्यूज़ जाएगी नहीं। अब थोड़ा दो तीन लेक्चर जो हैं ये शाम के समय आएंगे। एक्चुअली थोड़ा एग्ज़ाम है मेरा, इस चक्कर में मैं आया हूँ, तो कोई नहीं, आप लोग थोड़ा समझेंगे। अब पहली न्यूज़ जो है वो आपको सबको पता है, जो बिडेन साहब हैं वो हमारे नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो ये जो बिडेन की आ गई है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनका नाम कमला हैरिस। ये पहली इंडिया की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और इंडिया मूल की हैं, मतलब भारतीय मूल की हैं। कि इनका नाम क्या है? कमला हैरिस। ये पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये भी हो जाता है, पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट कौन यूज़ की, तो उनका नाम कमला हैरिस हो गया, और ये इंडिया मूल की भी हैं। और अब जो बिडेन साहब हमारे अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, तो आप सबको पता चल ही गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपको पता है, रैली अब पुलिस डिसाइड करेगी, तो दो तीन दिन से आ रहा है। ये आज के न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है तो बस यही है। कर्नाटका ने टॉप करा है, किसमें करा है? नीति आयोग का एक इंडेक्स निकलता है, क्या? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये सेकंड बार निकला है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसमें दोबारा कर्नाटका टॉप पे आया है। तो प्लीज़ रिमेंबर, जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है उसे निकालता कौन है? तो नीति आयोग निकालता है। प्लस उसमें टॉप पे कौन आया? तो कर्नाटक आया, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कौन है? तमिलनाडु है। तो तीन कंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मेन है कर्नाटक टॉप पे कौन आया, और बिलो में भी देखिए यहाँ पे लिख रहा है झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। ये जो कंट्रीज़ हैं, वो स्टेट्स हैं, ये बिलो आई हैं, नीचे से ऊपर आई हैं। तो निकालता कौन है और कौन टॉप पे आया? तो टॉप पे जो आया वो कर्नाटक आया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। निकालता कौन है? तो नीति आयोग निकालता है, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए, मैंने कल आपसे राफेल का पूछा था, अभी राफेल और जैगवार दोनों रिपब्लिक डे पे अपना दिखेंगे। जिसको भी देखना है राफेल कैसा दिखता है, तो जाके देख सकता है ऑन 26 जनवरी को परेड में जाके। आज का सवाल है, जैगवार हमने कहाँ से लिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी जितनी आप देखेंगे, जितने जो झांकियाँ होती हैं उनको टैबल्यू बोलते हैं ना, जो 26 जनवरी को निकलने वाली हैं, तो उनकी गिनती बढ़ गई है इस बार, और ज़्यादा निकलने वाले हैं। तो उसमें कुछ कुछ मुख्य होंगे, जब वो होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं। ये न्यूज़ इतनी थी आज, वैसे ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, एडिटोरियल कोई अच्छा नहीं था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लिचेज इन कोविन स्लो। अब ये जो कोविन, मैं आपको बहुत पहली बार भी बता चुका हूँ, कोविन क्या है? एप्लीकेशन है। किसकी है? जिसमें हमारी जो कोविड शील्ड और कोवैक्सीन, जो हमारी वैक्सीन लगने वाली है अगेंस्ट कोरोना, उसके बारे में बताती है कि हमारी स्टेट में या हमारी डिस्ट्रिक्ट में किस हॉस्पिटल में कितनी वैक्सीन है। तो उसमें ग्लिच आ गया था, तो आपको इतना ग्लिच व्लिच का याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना कोविन क्या है। तो कोविन जो है वो कोविड की जो एप्लीकेशन है, और कौन कौन सी लगने वाली है? एक तो कोविड शील्ड लगेगी, एक कोवैक्सीन लगेगी। कोविड शील्ड किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रहा है। और ये जो कोवैक्सीन बन रही है, कोवैक्सीन जो बन रही है, सी जो इंडिया वाली बना रहे हैं, ICMR वाला, भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलके बना रहा है। फिर एक कैग वाली रिपोर्ट है। कैग मैं आपको कल भी वाले न्यूज़पेपर में भी कवर करा था, कैग में फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल 148 में लिखा गया है कैग के बारे में, ये 6 साल के लिए अपॉइंट होता है या 65 साल के लिए अपॉइंट होता है। इसे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं मिला हुआ है, नो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं मिला? कि इसे प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता। इसे रिमूव कौन करेगा? इसे रिमूव करेगी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट भी कैसे रिमूव करती है? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी होगी तभी पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है कैग साहब को। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रही है वो ये थी, रिपोर्ट नॉन बाइंडिंग। यहाँ में जो कैग है उसे कभी कभी टूथलेस टाइगर बोला जाता है। टूथलेस टाइगर क्यों बोलते हैं? कि कैग जो है रिपोर्ट दे सकता है, ऑडिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो किसी भी चीज़ पे बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग है। तो आप याद रखिएगा कि कैग की जो भी रिपोर्ट है वो नॉन बाइंडिंग है। लेकिन अब वहीं जो कैग, जो अमेरिका का जो कैग है, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो टोटली बाइंडिंग रिपोर्ट होती है। तो इंडिया के कैग और अमेरिका के कैग में बस यही डिफरेंस है कि अमेरिका में और कैग जो है वो रिपोर्ट पहले भी बना देता है, कोई कोई रिपोर्ट, लेकिन इंडिया में क्या है, जब आपने पूरा खर्चा कर लिया उसके बाद कैग एनालाइज़ करती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक तो रिपोर्ट नॉन बाइंडिंग है, आर्टिकल 148 में आता है, 6 ईयर 65 साल के लिए होता है, इससे ज़्यादा नो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बस ये याद रखेंगे। तो हम आगे चलते हैं, इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बिल्डिंग एन ऐप फॉर इंडिया, सिग्नल ऐप किसने बनाई है? तो ब्रायन एक्टन। प्लीज़ रिमेंबर किसने बनाई है। अब ये व्हाट्सएप को रिप्लेस करने वाली है बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत प्राइवेसी इश्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग सिग्नल पे आ भी गए। तो सिग्नल को किसने बनाया, तो उनका नाम याद रखेंगे, ब्रायन एक्टन, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक अच्छा था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया आधार रिव्यू पिटीशन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा क्या हुआ था, जब आधार लाया गया था तो उसमें दो तीन बातों का जिक्र हुआ था। एक तो इन्होंने जो आधार है उसे पास इन्होंने करा था एज अ मनी बिल। इन्होंने कैसे, जब ये आधार जो लॉ लेके आए थे क्या कहते हैं इन पार्लियामेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे पास करने के लिए मनी बिल में ट्रांसफ़र कर दिया, इसे मनी बिल कह के पास कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मनी बिल होगा तो
जो स्पीकर है उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, और राष्ट्रपति को एसेंट देना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर मनी बिल है उसको वापस नहीं भेज सकता, उस पर वीटो नहीं कर सकता, इसीलिए इसे मनी बिल की तरह पास किया गया था। तो अभी यही चेक कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये डिसीजन सही है या नहीं, इसे मनी बिल की तरह पास कर सकते थे कि नहीं। और दूसरा ये देखा गया कि जो हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कैसे पास कर दिया इसे एज अ मनी बिल, उनसे भी, क्योंकि अगर कोई भी मनी बिल है तो उसमें एक रिपोर्ट ली जाती है स्पीकर से, तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है कि वो मनी बिल है या नहीं। तो इसमें स्पीकर से भी जवाब मांगा गया कि आपने इसे मनी बिल की तरह क्यों पास कर दिया, तो इसमें अभी डिसमिस ही कर दिया, वैसे इतना कुछ हुआ नहीं है इसमें, डिसमिस ही कर दिया आधार रिव्यू पिटीशन। अब तो आधार ये समझ लीजिए कि हर चीज़ में आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है, ये तो फालतू की चीज़ है मैंने बता दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट एक आधार से रिलेटेड केस है आज, ये भी क्वेश्चन है कि आधार से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, उसके बारे में आज आप मेरे को नाम में बताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेंड वैक्सीन टू 2 countries, मैंने आपको कल के न्यूज़पेपर में बताया था कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को अपनी वैक्सीन बेच, मतलब दे रहा है एज अ हेल्पिंग जेस्चर, तो अभी भूटान में बेच दी और माले में भी बेच दी है। कभी कभी बहुत सारी कंट्रीज़ का नाम लिखा रहता है उसमें पूछता है कि इसमें से हमने किस कंट्री को नहीं दिया है या किस कंट्री को दिया है, तो याद रखिएगा अभी हमने भूटान को और माले को भेज दिए, ये 2 countries को भेज दिए इन गुजरात। हाँ ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, गुजरात व गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक एक फ्रूट होता है ड्रैगन फ्रूट नाम का, इधर मैंने फोटो नहीं लगाई है, आपने कभी खाया भी होगा, ड्रैगन फ्रूट का नाम होता है, तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या करा उसका नाम चेंज कर दिया, ड्रैगन फ्रूट का उसका नाम चेंज करके उन्होंने रख दिया कमलम। प्लीज़ रिमेंबर ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किसने रखा है, गुजरात गवर्नमेंट ने। तो प्लीज़ रिमेंबर डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कमलम किस गवर्नमेंट ने नाम चेंज करा है एज अ ड्रैगन फ्रूट, या तो नाम पूछ सकता है तो नाम चेंज होकर कमलम हो गया, और किस गवर्नमेंट ने करा है तो गुजरात गवर्नमेंट ने करा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछे गए। सो आई होप ऑल द न्यूज़ आर कवर्ड। हाँ एक ये भी अच्छा, IRFC ये इंडियन रेलवे की फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इंडियन रेलवे को अगर कुछ बनाना है, नई कंस्ट्रक्शन साइट बनानी है, कोई भी नई नया स्टेशन बनाना है, तो अगर उसे मार्केट से पैसा उठाना है तो यही उसकी कंपनी है जो पैसा उठाती है, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी इसका क्या हुआ, इसने IPO निकाले। IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अगर कोई भी कंपनी सरकारी या प्राइवेट अपने कुछ शेयर मार्केट में बेचती है पहली बार एट द वेरी फर्स्ट टाइम तो उसको बोलते हैं हम IPO। अगर उसको बाद में मतलब एक बार बेच दी फिर दोबारा भी बेच रही है तो उसको बोलेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। और अगर पहली बार बेच रही है, आपको शॉर्ट शॉर्ट याद रखना है, अगर पहली बार बेच रही है तो उसको हम बोलेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और बाद में अगर बेच रही है तो उसको बोलेंगे FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। तो ये 2 चीज़ हो गई। हाँ, CCI प्लान टू एक्सपोर्ट 10 lakh bales ऑफ कॉटन। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम पेपर में पूछा भी जा चुका है, इंडिया में कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर सकती है, तो कौन सी स्टेट में इंडिया में नंबर 1 पे आती है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, तो आप आज मेरे को बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। हाँ ऑल न्यूज़ आर कम्प्लीटेड, आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज इतनी थी, अभी आप 2-3 दिन और देख लीजिए ऐसे ही, उसके बाद हम दोबारा अपनी जैसे प्रेजेंटेशन स्टाइल में आते थे उसी में आने लगेंगे, PPT फॉर्म में। हमने जुगाड़ कर लिया है एक लैपटॉप का तो आप 2-3 दिन और मैनेज करिए, उसके बाद आपको आराम से नोट्स मिलेंगे एकदम प्रिंटेड स्टाइल में, फिर मैं उसे मैं लिख के भी समझा दूंगा और ज़्यादा पॉइंट। तो 2-3 दिन और एडजस्ट करिए, उसके बाद आपका एकदम टिप टॉप काम कर देंगे, और जो भी स्लाइड है वो आपको पता है टेलीग्राम में मिली जाती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करते रहिए। मैं बाहर आया हूँ एग्ज़ाम देना, लेकिन आपका एक दिन भी लॉस ना हो इसलिए मैं आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा एक लाइक दे के प्रोत्साहन बढ़ाएँ। सो टेक केयर गाइज, बाय ऑल।